मैंने अपनी तरफ से 20 जो है कॉलिंग अटेंशन दी थी और 20 में से एक कॉलिंग अटेंशन जो है आज अलाउ की गई। मुझे उम्मीद थी कि बहुत लंबे समय से एक इशू हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, जब से ये लुटेरे इकट्ठे हुए यहाँ पे 24 से ज्यादा घोटाले हुए, एक शराब घोटाला भी है जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे थे। हर विधानसभा के सेशन में शराब घोटाले पे सरकार से चर्चा चाहते थे कि इस पे चर्चा हो और इसके ऊपर जो SCT की रिपोर्ट तैयार हुई है वो रिपोर्ट और उसके साथ साथ विजिलेंस की जो रिपोर्ट है वो भी चीफ सेक्रेटरी का उसके ऊपर, जो मुख्यमंत्री ने एक मेंबर की कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक हो विधानसभा में पटल पे रखी जानी चाहिए और उसके अंदर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार मैं इस बात की मांग विधानसभा में कर रहा था। अब की बार मैंने फिर जब उसको कॉलिंग अटेंशन के लिए दिया तो उसको मंजूर कर लिया, मंजूर तो होगी लेकिन मंजूर होने के बाद सरकार कैसे इससे टले जैसे हर बारी टलती रही। पीछे भी मैंने शराब का जो खरकोदा में सोनीपत में जो मामला हुआ था, जो लाखों पेटियां शराब की जो है अवैध रूप से निकाली गई थी उनके ऊपर विधानसभा में चर्चा करनी चाह रहा था, वो भी मेरा एडमिट हुआ था। उसको ये कह करके इन्होंने कि ये तो सब जुडिशियल मैटर है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जबकि कोई सब जुडिशियल था ही नहीं। अब की बार फिर उसको कैसे टाला जाए इसके लिए मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखाई गई स्पीकर को और चिट्ठी में ये लिख दिया कि शराब से जुड़े मामले का रिप्लाई जो है होम मिनिस्टर देगा, जबकि एक्साइज मंत्री को देना चाहिए था। अगर मान लो कोई मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कॉलिंग है, कोई क्वेश्चन आवर है, उसके अंदर फिर कोई दूसरा मंत्री खड़ा होकर के जवाब देता है। हैरानी की बात है, पिछली दफा एक मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था जिसपे होम मिनिस्टर ने जवाब देना था, होम मिनिस्टर हाउस में था नहीं। मैंने जब कहा कि भाई मेरी बात का जवाब कौन देगा तो मुख्यमंत्री तुरंत खड़े होकर के उसका रिप्लाई करने लग गया। उस रिप्लाई में भी मुख्यमंत्री ने इस तरह के शब्द जोड़ दिए जिनका कोई संबंध नहीं था। बाद में उसमें हाउस के इस आपके स्पीकर ऑफिस से 6 लोगों को सस्पेंड किया केवल लिपापोती करने के लिए। आज भी तो जवाब है, होम मिनिस्टर नहीं था तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर दे सकता था, वो नहीं देता तो उसकी जगह कोई और दूसरे मिनिस्टर की ड्यूटी लगती। जवाब देने की बजाय डिप्टी स्पीकर ने उसको जो है रेफर कर दिया। अब जब मैंने स्पीकर से ये पूछा कि भाई इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करा रहे आप, तो कहने लगे कि हमने इसको डेफर कर दिया और आगे बिजनेस का पता करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को कराएंगे। मैंने कहा भाई मुझे आप डेट बता दें, जो डेट आप बताओगे मैं उस डेट के ऊपर अपनी तैयारी कर लूंगा। पहले डेट बताओ कि इस सेशन में कराओगे, आगे जो सेशन आ रहा है उसमें कराओगे। बजाय मुझे डेट बताने के स्पीकर मेरे साथ बेवजह उलझ जा चला गया और इस हद तक उलझ गया कि स्पीकर जो है अपनी जो लैंग्वेज थी, अपनी जो स्पीकर की भाषा होनी चाहिए एक मेंबर के प्रति, एक मेंबर तो हो सकता है आवेश में आकर के कुछ भी कह दे, सरकार के खिलाफ अगर किसी के पास कोई दस्तावेज है तो वो उस दस्तावेज को पेश करते हुए किसी के साथ उलझ भी सकता है। लेकिन स्पीकर का काम नहीं है कि वो कोई इस तरह की भाषा बोले जिससे हाउस की मर्यादा खत्म हो जाए। अगर मेंबर गलत बोल जाता है तो मेंबर तो माफी मांग लेगा, उसको तो मजबूर कर लिया जाता है इस बात के लिए भी तैने अगर कुछ गलत कहा या तो तू तेरे शब्द वापस ले ले अदरवाइज तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्पीकर अगर गलत बोलेगा उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आपने देखा है कि आज जिस तरह से स्पीकर मुझे कह रहा था कि मैं बख्शूंगा नहीं,
मैं पहले तो आपके माध्यम से स्पीकर से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने के लोगों को तैने अब तक बख्शा नहीं है। ये बादशाह उसको अपने घर में तो बोल सकता है, हाउस के अंदर नहीं बोल सकता। ये छूट हाउस में कोई नहीं देगा। ये तो विपक्ष कमजोर है, विपक्ष में मान के चलो कि सरकार से दबता है, अदरवाइज आज ही स्पीकर को इस बात के लिए मजबूर कर लेता कि तू अपने कहे हुए शब्द पहले वापिस ले। विपक्ष है नहीं, क्योंकि विपक्ष तो केवल लिपापोती करने के लिए है, जो सरकार चाहती है उसी की भाषा विपक्ष बोलता है। आपने देख लिया होगा कि वो इस तरह की भाषा बोल रहा था, विपक्ष बैठा बैठा कान बोचे बैठा हुआ था। कैसे सरकार को बचाया जाए, स्पीकर 24 घंटे इस काम में लगा हुआ है। सुबह भी सेम यही बात हुई थी। सुबह जब एक इशू मैंने जीरो ओवर में उठाया एयरपोर्ट का लेकर के, इनको बड़ी तकलीफ हुई इस बात के कि भी हमें कैसे ये जो झूठा साबित कर रहे हैं। आप सबने देखा है कि मुख्यमंत्री ने अनेक दफा ये बात कही कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बाद दुष्यंत ने अनेक दफा कही, कमल गुप्ता जैसे व्यक्ति से कहलाया गया, अनेक इनके एमएलए ने इस बात पे यहां विधानसभा में चर्चा करी, मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, नाम तक रख दिया कि महाराजा अग्रसेन के नाम से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे। उसकी पोल खुल गई थी लोकसभा का जो पिछला सेशन था, उसमें एविएशन मिनिस्टर ने साफ कर दिया था कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है हिसार के अंदर। अब उससे इनकी झूठ सामने आ गई। मैंने सुबह कौन सा गलत कहा था, मैंने ये कहा था भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर आपने सड़कें बनाई, सड़कें बना करके गरीब लोगों की जमीनें जो है उन पे एक भूमाफिया खड़ा कर दिया, जमीनें हड़प ली। और अब जब तुम्हारी पोल खुल गई तो कैसे उन सब चीजों को दबाया जाए, उसके लिए लोगों के गांव के रास्ते बंद कर दिए। 32-34 किलोमीटर का सफर ज्यादा करना पड़ेगा लोगों को, खास करके पढ़ने वाली बच्चियों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात थी। वो कहाँ से जाएगी, कैसे, जो साइकिल पे स्कूल जाती थी कॉलेज जाती थी, अब उसको 32 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ेगा। मैं तो यही बात कह रहा था कि ये सब कुछ करने की बजाय आपको एक रास्ता बना करके देना चाहिए गांव के लोगों को फिर से दोबारा, ताकि उस गांव के लोगों को 32 किलोमीटर ज्यादा तय करने की बजाय कम सफर के अंदर हिसार पहुंच जाए। और उनका बेचारों का जो कारोबार जो बंद हो गया, जो फैक्ट्रियां थी, जो दुकानें थी, जो वहां पे मॉल बने हुए थे, वो सारी चीजें बंद होगी, क्योंकि हिसार से कौन 32 किलोमीटर उस गांव के अंदर आएगा, पहले 6 किलोमीटर का रास्ता था। इस पे जब मैंने कहा कि भूमाफिया में भी वो लोग शामिल है जो सत्ता में बैठे हुए, जिनकी अपनी कंपनियां, जिनके अपने नजदीक के लोग उनके नाम से ली हुई थी, जब मैं उनके नाम ले रहा था, जब मैं उनकी बता रहा था कि तुम्हारी कंपनियों के नाम पे है, तब किसी ना किसी तरीके से उस बात को दबाया जाए। इसके लिए जो स्पीकर ने फिर उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया। मैंने स्पीकर से जब हाउस के दौरान स्पीकर अपने गया कमरे में, जब मैंने पूछी, मैं बोला मका आप की जो जिम्मेवारी उसको निभाओ ना, आप मका इस सरकार में बैठे लोगों को, चोर चकों को क्यों बचा रहे हैं मका। तो आज जो था, जिस ढंग से स्पीकर लगा हुआ है, उससे लगता नहीं है कि विधानसभा के अंदर अब कोई ये मान करके चले कि स्पीकर किसी का पक्ष बनने की बजाय निष्पक्ष होकर के इस विधानसभा को चलाएगा। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। मुझे पहले धमकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, और फिर जब मैं बाहर आ गया, जब स्पीकर को लगा कि भी तो तेरे से बिना वजह जो तू इसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, तेरी इस बात से नहीं दबेगा, तो फिर और तो कोई जोर चला नहीं, बोले अगले दिन के लिए और निकाल दिया। मैं इससे पूछूंगा जब 16 तारीख को दोबारा हाउस शुरू होगा, हाउस में बढ़ते पूछूंगा कितने दिन के लिए निकालेगा और कैसे निकालेगा, पहले मेरी बात का जवाब पूछूंगा। कल ही चिट्ठी लिखूंगा, आज ही चिट्ठी लिखूंगा इसको कि जो बात तैने हाउस के अंदर कही है उसका कौन जिम्मेवार है। ये हालत है, ये अब कोई विधानसभा नहीं है। इस स्पीकर ने फिश मार्केट बना दी, जिसके खुद के खिलाफ प्रिविलेज आया हुआ इस हाउस के अंदर, उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि किसी के साथ न्याय कर देगा। ये खुद जब पिछली दफा विधायक था, एक एमएलए ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया था कि 300-300 रुपए रेडी वालों से लेता है पंचकुला के अंदर,
उस वक्त प्रिविलेज आया था उस विधायक के खिलाफ, अगर इसने पैसे ना लिए होते तो फिर उस विधायक के खिलाफ जब प्रिविलेज आया था तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग हो जानी चाहिए थी, अगर उसने गलत कहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हालांकि ये खुद उस वक्त उस कमेटी का चेयरमैन था, तो इसके खिलाफ लगे हुए आरोप इसको साबित करने चाहिए थे। अब भी अनेक इस किस्म के आरोप हैं जो मैं आज नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर स्पीकर की यही भाषा रही तो मुझे मजबूर होकर के लोगों को ला करके पेश करना पड़ेगा तुम्हारे सामने कि किस तरह से एक पंचकुला का विधायक जो है, जो स्पीकर की पद पे बैठा हुआ है, लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां खड़ी करता है, कैसे लोगों को परेशान करता है। ये कहता है स्पीकर कि कोई भी MLA जाकर के जमीन खरीद सकता है। अरे जिस दिन तुम लोगों ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे, ड्राफ्ट जिस दिन तुमने वहां पे एफिडेविट दिया था, उस दिन तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास चढ़ने को गाड़ी नहीं थी, बैंक बैलेंस नहीं था तुम्हारा। अब तुम जमीनें खरीद दो, कहां से आ गया वो पैसा? सारा का सारा सारा पैसा इसी तरह से कमाया होगा। अब इनको तकलीफ होती है जब इनसे ये पूछा जाता है कि वो जमीनें तुम्हारे नाम कैसे हो रही है। तो मैं उम्मीद नहीं करता, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जो है सच्चाई लोगों के सामने उजागर करो और ऐसे लोगों की पोल खोलने का काम करो जो सत्ता में बैठ करके कहीं लोगों को लूट रहे हैं और हम जैसे लोग जो इनकी पोल खोलते हैं उनको डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिविलेज लेकर के आए मेरे खिलाफ, आज इनसे पूछने वाला हो कि सारा देश ये कहता है तुम्हारे लिए, प्रदेश के अंदर आप रिक्शा पुलर से पूछ लो, बस अड्डे पे जाके पूछ लो, आप रेलवे स्टेशन पे जाके पूछ लो, हॉस्पिटल में खड़े होकर के बात कर लो, सरकार में क्या हो रहा है, सारे ये कहते हैं दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए सरकार में बैठे लोग, लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? तुम्हें भी पता है सबको कि कौन लुटेरा है यहाँ पे, है कि नहीं है तुम्हें पता? तुम भी बता दो, हंस रहे हो बैठे बैठे, बताने में मर जाए कोई। क्या मामला था सर जो आप कह रहे हो अदेली बता रहे हैं? शराब घोटाले का इशू था सबसे बड़ा, जिसके अंदर सरकार में बैठे लोग सीधे तौर पर फंसते हैं। ये एक रिपोर्ट जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बारी बारी। इन्होंने 3 रिपोर्ट बनाई इसके ऊपर, एक रिपोर्ट बनाई। आज इनको पता था कि अगर इस पर चर्चा हो जाती तो आज इनकी बहुत बड़ी पोल खोलता मैं। 3 रिपोर्ट इसके ऊपर आई। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने SIT का गठन किया, उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने कैसे अपने सहयोगियों को बचाएं इसके लिए SCT कर दी। SCT की रिपोर्ट बनाई जिसमें 3 लोगों को जिम्मेवारी दी गई, TC गुप्ता IAS जो था उस वक्त का, वो तो इसका हेड कर दिया। 2 लोग और इसमें मोहम्मद अकिल IPS जो है उसको और एक विजय सिंह एडिशनल ETC, ये 2 इसके साथ मेंबर बनाए गए। इन 3 लोगों ने इसकी जांच करी सारे की। मुख्यमंत्री को इसमें ये लिखा गया होम मिनिस्टर की तरफ से कि इसके अंदर IPC की धारा 32 जो है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके तहत इनको पावर दी जाए ताकि इस पर पूरी तरह से जांच की जा सके, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। उसको भी इन्होंने AG के पास भेज दिया और AG से लिखवा लिया कि इसकी जरूरत नहीं है। AG तो सरकार का पार्ट है, वो लिख करके दे देगा, क्या दिक्कत है उसको। उससे रिपोर्ट को इन्होंने साया करने की बजाय दबा लिया, फिर विजिलेंस की जिम्मेवारी लगा दी। और विजिलेंस की रिपोर्ट में भी जब ये फंस रहे थे सारे, तो उसको ये कह करके कि भाई इसमें तो चीफ सेक्रेटरी जो है उसकी एक मेंबर की कमेटी बनाई है, वो इस सारे मामले की जांच करेगा, देखेगा इन रिपोर्ट्स को, फिर हम इसको साया करेंगे। 3 साल निकाल दिया। आज मुख्यमंत्री भी होता, सारे बैठे होते, आज जब इस पर चर्चा होती, अगर इसके ऊपर मुझे बोलने दिया जाता तो जहां मैं इनकी एक एक दिन की चोरी के बारे में बताता कि कब कब किस किस दिन कितनी कितनी शराब की पेटियां किस किस फैक्ट्री से निकली, किन गाड़ियों में निकली, वो सारी चीज बताता, वहीं ये वो रिपोर्ट है SCT की, जिस रिपोर्ट के अंदर ये तो नहीं साया कर रहे सरकार में बैठे लोग, तो ये तो इसको छुपा रहे हैं दबा रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास थी, मैं आज विधानसभा में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता कि तुम इसको साया कर, ये टेबल पे रख दो, लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि इसमें क्या है। आप मीडिया को देंगे? मीडिया को तो दूंगा, और लिया किस लिए मैं? पर मीडिया वालों का मुझे कुछ कभी भी ऐसा अंदाजा है
कि तुम इसको साया करने के बजाय तुम भी कहीं सरकार के कहने में दबा ना दियो इसको। इसकी कुछ फाइंडिंग बता दो सर, अगर आपने पढ़ी। नहीं, फाइंडिंग क्यों बता दूं, मैं रिपोर्ट दे दूंगा, रिपोर्ट पढ़ के तुम छाप देना, इसकी कॉपी दे दूंगा तुम्हारे पास, सबके पास कॉपियां भिजा दूंगा, सब MLA के पास भी भिजवाऊंगा, इनके इन्होंने तो नहीं दी, लेकिन मैं इन सबको कल इनके कमरों में भिजवा दूंगा, कह दूंगा पढ़ ले रहा इनने, पूछ लो तुम जाकर। बाकी रिपोर्ट भी लाएंगे सर, ऐसे SIT बनाई गई थी, सारी ला दूंगा, बेफिक्र रहे, इनके खुद के ऐसे ऐसे बैठे जो मुझे शाम को ला करके पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। सारी बात मैं तुझे बता दूं, तू पूछेगा ला के किसने दी थी। कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ दिखाई जाती है, बताई नहीं जाती कहां से कैसे। कांग्रेस वाले तो मिले हुए बीजेपी वालों के साथ, वो तो कोई इशू उठाते हैं तो बता दो आप, वो तो शेरों शायरी करते हैं आपस में बैठकर। आप जैसा साथी मुझे कोई दस्तावेज ला करके देगा और मेरे से ये उम्मीद करेगा कि अभय सिंह इस इशू को विधानसभा में ले जा करके कह सकता है, मुझे लगता है आप दोनों विधायकों से मिले हुए हो। जो सच्ची बात कहता हूँ उससे आप मान के चलो सत्ता में बैठे लोगों को तकलीफ होगी। अगर आप कोई गलती करो और मैं आपकी चर्चा नहीं करूं तो या तो मेरे में कमजोरी है कि मैं आपसे कहीं ना कहीं दब रहा हूं। अगर मैं सरकार की कोई कमजोरी कोई मुझे उपलब्ध कराएगा, लाके दस्तावेज देगा और उसकी बात नहीं करूंगा तो फिर मान के चलो सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में हूं मैं कहीं ना कहीं। ये जो सारी चीजें आज की गई है ये उस सारे मामले को दबाने का एक प्रयास है। अखबार की खबर में एक सारी चीजें छपे ना, केवल ये बात लोगों में आ जाए कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ तो प्रिविलेज मोशन आ गया। आप देखा नहीं स्पीकर की हालत क्या थी, नेम मुझे कर था, नाम अभय सिंह यादव कर लिया था। इनको पहले बिचारों को दफ्तर में बैठा के कहा जाता है कि तुमने ये करना है, ये अपनी मर्जी से थोड़ा ही करना है। इस विधानसभा में गुप्त मतदान करा लो इस बात को लेकर के कि भी अभय सिंह के खिलाफ प्रिविलेज लेना चाहिए या इन चोर उच्चकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 90% MLA मेरे पक्ष में वोट डाल देंगे अंदर खाने। जिस तरीके से जोगीराम से आज इस नोटिस को लाए हिसार में विरोध कर रहे थे सर, वहीं जमीन को लेकर जोगीराम जमीन भी तो जमीन जोगीराम सियाग भी तो जमीन खरीदनी में है, ये कौन सा कोई भला है। मैंने आज इसको कहा था, मैं बोला मैं तेरा नाम भी लूंगा, अभी तेने भी खरीद रखी है, कल तक तो ये विरोध करा था, आज ये मेरे खिलाफ प्रिविलेज ले है। एक आपने बात कही कि जमीन जो है वो खरीद ली गई है पहले, निजी संपत्ति उतनी, वो कितनी जमीन खरीदी है? मेरे पास रजिस्ट्रियां आ जाएंगी सारी, मैं रजिस्ट्री आने के बाद आपको रजिस्ट्रियों कॉपी दे दूंगा किस किस के नाम से, किस किस की कंपनियों के नाम से, फिर तुम बता देना लोगों को, मैं तो बताऊंगा ही, अब पदयात्रा करूंगा जब इनकी सबकी पोल खोलूंगा अच्छी तरह, लेकिन आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि तुम भी लुटेरों के खिलाफ कुछ ना कुछ अपनी कलम चलाओगे। सर मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जिस तरीके से कल नारेबाजी करी, इस्तीफा मांगा गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं रहते। हमारे मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था इसी हाउस के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा आया था और उसके बाद कोई इशू पे चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री ने कहा था भी हमारे प्रदेश में किसी लड़की के सामने कोई उंगली करेगा मैं उसका हाथ काट लूंगा, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? वही मुख्यमंत्री कल क्या कह रहा था, जो लड़कियों के कपड़े फाड़ता है, जो अपने डिपार्टमेंट में लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, कल कैसे उसको क्लीन चिट दे रहा था, कल कैसे उसको खड़ा होकर क्या उसमें कह रहा था कि नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे, इतना सुरमा है तो लिया विधानसभा में पता लग जाएगा, फिर छुट्टी में किस लिए भेज रखा है? उसकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने उसको पार्टी की मीटिंग में नहीं बढ़ने दिया, उसको पता था इस बात का धनखड़ को कि अगर इसको मीटिंग में बुला लिया तो धनखड़ जिस इलाके से आता है ये लड़की उसी एरिया की है झज्जर की, उसको पता था कि टेरों को फिर गांव के अंदर घुसने भी नहीं देंगे, इसलिए वो अपनी जगह बना रहा था। अगर धनखड़ उस लड़की के इतना ही पक्ष में है और धनखड़ चाहता है तो फिर धनखड़ को एज ए पार्टी अध्यक्ष
जहां उसको नहीं बुलाया वहां कहना चाहिए चीफ मिनिस्टर को इसको हटाओ तुरंत, हटाना भी चाहिए। मुख्यमंत्री को केवल ये नहीं देखना चाहिए ये तेरा सहयोगी, मुख्यमंत्री को ये भी देखना चाहिए कि तू प्रदेश का मुखिया है, इस प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी तेरी है, उस जिम्मेवारी को निभाने की बजाय जो है ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री को पूछो आप कि आप तो उंगली करने वाले का हाथ काट रहे थे, अब क्या कर रहे हो? अभय जी, जो आपने उनको चोर करा कि हिसार एयरपोर्ट वाली जमीन खोलने के लिए है। अच्छा मुझे एक चीज बता दे तू, मैं इतने लोग बैठे चोर को तू खड़े होके बोल रहा है तो इसका मतलब चोर हो गया कि नहीं हो गया? फिर मैंने कहा मका भाई वहां पे एक गैंग खड़ा हो गया जमीनों को लेकर के, भू माफिया खड़ा हो गया। मैंने भू माफिया कहा तो फिर मिनिस्टर को तकलीफ क्यों हुई? मिनिस्टर को यह कहना चाहिए था कि अगर कोई भू माफिया तो हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे, अगर किसी की जमीन लूटी गई है तो हम इंक्वायरी कराएंगे। वो किस लिए खड़ा हुआ? इसका मतलब वो उस लूट में शामिल है? तो मैंने बताया भी अगर आप खड़े होगे तो आप भी हो जाओगे। स्पीकर से मैंने ये बात भी कही थी, तथ्य की बात करी स्पीकर ने, पीछे विधानसभा का जब सेशन था मैं विधायक चुनकर के आया दोबारा, मैंने तभी आरोप लगाया था, आरोप नहीं सच्चाई बताई थी कि मेरे चुनाव में 15-15, 20-20 हजार रुपया मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया गया, वो पैसा कहां से आया? तभी इसने कहा था स्पीकर ने कि आपको तथ्य लेके आओ, मैंने कहा एफिडेविट ला दूं, कार्रवाई करोगे? इसी स्पीकर ने हाउस में ये बात कही थी कि मैं कार्रवाई करूंगा। आज भी मेरे पास सैकड़ों जो है एफिडेविट हैं और कल मैं आपको दे दूं आप दिखा देना। मैंने स्पीकर को काम का एफिडेविट आगे, तो स्पीकर ने मुझे ये कहने की बजाय भी एफिडेविट मुझे दो कार्रवाई करूंगा, उस बात को ही इसने घुमाना शुरू कर दिया। स्पीकर तथ्यों की बात करता है, मैं वो तथ्य दे दूंगा, पहले कार्रवाई कर देना। हैरानी की बात नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा जो पंचायत मंत्री है वो बयान देते हैं कि सरपंच करोड़ों रुपए लगा करके सरपंच चुन करके आ गया, तुम्हारी सरकार है, अगर करोड़ों रुपया सरपंच खराब खर्च कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले लो, ये पैसा लगाया कहां से लाया कहां से पूछ लो, तुम सरकार में बैठे हो। मतलब हर आदमी को ये आज यूं कहते हैं ये चोर है, ये फलाने हैं, ये दिखड़े हैं, तो फिर मुख्यमंत्री ने सरपंचों को चोर बताया वो भी एफिडेविट दे दे, नहीं बताया कि नहीं बताया मुख्यमंत्री ने? इस बबली ने बताया, ये भी लाओ एफिडेविट, कौन कौन से चोर है बताए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर कांग्रेस ने आज जो है पैदल मार्च जो है वो हाईकोर्ट से लेकर विधानसभा तक चलाया, काफी अग्रेसिवली जो है वो कांग्रेस सरकार का जो है वो पॉलिसीज पर जो विरोध कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है प्रदेश में देने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से काम है पार्टी का, उनका फैसला है करते रहे, पर लोगों को पता है ये मार्च करने वाले मिले हुए हैं। सर आज मुख्यमंत्री ने जो सवाल पूछे गए थे रोजगार कौशल निगम का, तो वो काम विस्तार से उन्होंने, आप मुझे एक चीज बताओ, मेरे को एक एसोसिएशन बनी हुई है हरियाणा के अंदर जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, शादी नहीं होने के कई कारण है, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। वो जब मुझे मिले तो उनमें 2-3 लड़के ऐसे थे जिन्होंने परिवार पहचान पत्र के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने मुझे चल करके ये बताया कि जी हमारे माँ बाप नहीं है, और माँ बाप नहीं होने की वजह से हमारी शादी नहीं हुई, चलो शादी तो नहीं हुई बेरोजगारी की वजह से, जमीन नहीं थी और नहीं थी, नहीं मिली लड़की, पढ़े लिखे लोग हम गए, वेल क्वालिफाइड वो लोग थे, मतलब ये नहीं था कि कोई अनपढ़ थे कि हमें जॉब नहीं मिल पाई इसलिए शादी भी नहीं हुई। लेकिन हमारे सामने दिक्कत ये होगी कि अब ये परिवार पहचान पत्र भी नहीं बन रहा है, ये परिवार है ही नहीं, तो इसमें क्या गलत काम है मुख्यमंत्री से भी इन लोगों के परिवार पहचान पत्र आपके कैसे बनेंगे बता दो, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप सबके जबरदस्ती बना रहे हो तो अपना भी बना लो फिर।
परिवार पहचान पत्र से 5 लाख लोगों की पेंशन काटती, 5 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए। आज एक बात मुख्यमंत्री ने स्वयं कही, ये कह देते हैं और फिर उस चीज से भागते हैं बेचारे। मुख्यमंत्री ने आज ये कहा कि 4 लाख रुपए जिस किसान की आय है, हमने उसकी आमदन 1,80,000 मान ली, भी उसकी हम पेंशन काटेंगे। उस मुख्यमंत्री से पूछने वाला हो भी 4 लाख की फसल एक जमींदार बेच के आता है, 1 साल तक उसके घर का खर्च कैसे चलेगा, उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उसके घर में दाल सब्जी कैसे आएगी, उसके बच्चा शादी के लायक हो गया, उनकी शादी में खर्च कहाँ से होगा, कपड़े कहाँ से लाके दोगे, जूते कहाँ से लाके दोगे, कोई छोटा मोटा मकान बनाना हो गया तो फिर उसकी आय 4 लाख रुपए वाले की 1,80,000 रुपए कहाँ से रहेगी? वो तो कर्जदार है, है कि नहीं है कर्जदार? फिर आप ये बताओ कि ये बेतुके काम करना, बेतुके बयान देना, ये क्या मुख्यमंत्री का काम है? आय का आधार बताओ ना आप क्या है। मुख्यमंत्री से ये पूछ लो आप सिर्फ कि कौशल निगम जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई अलग से लोगों को रोजगार देने के लिए कोई आपने कोई एक नया कोई वो बना दिया, बोर्ड बना दिया, ये बता दे मुख्यमंत्री। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, जिस दिन मर्जी इसको आप खत्म कर सकते हो, जो लोग इसमें जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएगी। तो लोगों को मतलब सरकारी नौकरी देने की बजाय उनको फिक्स पे पे रखने वाली बात है। और उसमें आपने देखा नहीं किस तरह से लोगों ने दिखाया था कि कौशल रोजगार योजना के तहत ये कहते हैं कि जो पहले से लगे हुए उन्हीं को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनकी जगह नए लोगों को लगा दिया, उनसे तनख्वाहें ले ली एक एक महीने की और गलत नाम चढ़ा दिए गए रजिस्टर में। वो तो उसने एक एमएलए ने दिया है सारा डिटेल। मुख्यमंत्री कहता है इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी किस चीज की करेगा? तेरे लोग खा रहे हैं सारे सारे बैठ। एक ही शब्द जानते हैं कि आप हमें दस्तावेज दे दो हम इंक्वायरी करेंगे, तो तुम किस चीज की सरकार चला रहे हो भाई? फिर तुम किस लिए सत्ता में बैठे? अब धन्यवाद तेरा।